हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया की। तो देखिए, नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या होता है कि वो मीडिया, ठीक है, नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि नेटवर्किंग जब हम करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर की, तो जो मीडिया या जो मीडियम डेटा को, डेटा इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए जो यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें जो कॉमनली यूज्ड हैं वो है हमारे कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल। दूसरा है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, और ट्विस्टेड पेयर केबल। तीसरा है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में जो स्टार्टिंग है उसकी और जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग उसको यहीं से शुरू करते हैं कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका शील्डेड और एक होता है अनशील्डेड, ठीक है। एक कहलाता है यूटीपी और एक कहलाता है एसटीपी। यूटीपी मतलब हो गया आपका अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और ये ट्विस्टेड पेयर क्यों होता है, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और ये होता है शील्डेड, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं यूटीपी और एसटीपी की। तो देखिए, यूटीपी के केस में क्या होता है, अनशील्डेड में, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मोस्ट कॉमन नेटवर्किंग मीडिया। इट कैन बी इधर वॉयस ग्रेड और डाटा ग्रेड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। यूटीपी केबल नॉर्मली हैज एन इम्पीडेंस ऑफ 100 ओम, ठीक है। यूटीपी कॉस्ट लेस देन एसटीपी एंड इजली अवेलेबल ड्यू टू इट्स मेनी यूज। देयर आर 5 levels ऑफ डाटा केबलिंग। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ 4 pairs ऑफ थिन कॉपर वायर्स कवर्ड इन कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन। दे आर ट्विस्टेड टूगेदर, ठीक है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। द वायर पेयर्स आर देन कवर्ड विद ए प्लास्टिक आउटर जैकेट। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ 4 pairs ऑफ थिन कॉपर वायर्स कवर्ड इन कलर शेडेड प्लास्टिक इंसुलेशन। द कनेक्टर यूज्ड ऑन अ यूटीपी केबल इज कॉल्ड ए रजिस्टर्ड जैक 45। यानी इन यूटीपी केबल्स में आपस में तारों को कनेक्ट करने के लिए जो हम कनेक्टर यूज करते हैं उसको कहते हैं RJ 45। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। तो RJ 45 कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट द वायर्स इन ए यूटीपी केबल, ठीक है। आगे इसमें क्या खास बात होती है कि यूटीपी केबल जो है इनका डायमीटर स्मॉल होता है एंड इट डज नॉट नीड ग्राउंडिंग। इसमें ग्राउंडिंग की जरूरत नहीं होती है। सिंस देयर इज नो शील्डिंग फॉर यूटीपी केबलिंग, इट रिलाइज ओनली ऑन द कैंसिलेशन टू अवॉइड नॉइज। तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। अब यूटीपी केबल जो होते हैं, देखिए उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। ईच कैटेगरी ऑफ यूटीपी केबलिंग वॉज डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसफर रेट। द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी इन यूज टूडे इज 5, 5E, and 6, विच कैन ईच ट्रांसफर रेट्स ऑफ ओवर 1000 Mbps, या कह सकते हैं 1 Gbps, 1 Gbps। अब डिफरेंट कैटेगरीज के हम लोग यूटीपी की बात करेंगे कि अनशील्डेड जो ट्विस्टेड पेयर हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है। तो आप इसको चाहे तो ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखिए यूटीपी कैटेगरी, ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कहाँ पे यूज होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं पर्पस, और उसके बाद क्या ट्रांसफर, मतलब इसमें डाटा किस स्पीड से ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांसफर रेट, ठीक है। तो अब इसको कैटेगरी, हमने कहा कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद फिर एक आएगा 5E और तब जाके आएगा 6। तो ये कैटेगरीज होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो कैटेगरी 1 है उससे तो केवल वॉइस का ट्रांसमिशन होता है, इसको आप लिख सकते हैं वॉइस ऑनली,
और बाकी जितने हैं वो सब डेटा के लिए यूज होते हैं, डेटा 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 डेटा। ठीक, अब मेन जो अंतर होता है वो होता है इनकी स्पीड का। जैसे ये जो कैटेगरी टू का है इसकी स्पीड होती है 4 Mbps, Mbps। ठीक, उसका और हाई स्पीड का तो 10 Mbps होती है। फिर कैटेगरी फोर में आ जाइए, इसकी स्पीड होती है 16 Mbps। कैटेगरी फाइव में आप आ जाइए, इसकी होती है 100 Mbps। और आप 5e में आ जाएंगे वो हो जाएगा 1 Gbps। और ज़्यादा आप चलेंगे कैटेगरी सिक्स में तो इसकी स्पीड जो है 1/10 G, इससे कम होती है, 1/10 Bps, यानी सबसे ज़्यादा हाई स्पीड इसकी होती है। लेकिन कुछ स्पेशलिटी की वजह से कैटेगरी सिक्स भी यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हो गई अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे इन यूटीपी की, तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो मेन फीचर होते हैं, वो एक तो होता है लो कॉस्ट, सेकंड होता है इजी टू इंस्टॉल, थर्ड होता है हाई स्पीड कैपेसिटी, फोर्थ होता है हाई एटीन्यूएशन, एंड फिफ्थ होता है इफेक्ट टू EMI, और इसकी और सिक्स्थ होता है इसकी लिमिट होती है 100 मीटर। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एडवांटेजेस जो होते हैं यूटीपी के वो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके एडवांटेज होगा इजी इंस्टॉलेशन, कैपेबल ऑफ हाई स्पीड फॉर लैंड एंड लो कॉस्ट, तो ये इसके एडवांटेज होते हैं। तो ये तो हो गया आपका अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एसटीपी की। एसटीपी क्या है आपका? शील्डेड, दैट इज कॉल्ड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर यानी कि एसटीपी, इसमें क्या खास बात होती है कि इट इज सिमिलर टू यूटीपी बट हैज ए मेश शील्डिंग दैट्स प्रोटेक्ट इट फ्रॉम EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इसको बचाने के लिए इसमें वायर्स के ऊपर मेश की शील्डिंग होती है, विच अलाउज फॉर हायर ट्रांसमिशन रेट। IBM हैज डिफाइंड कैटेगरी फॉर STP केबल। तो जैसे अभी हमने UTP केबल के लिए डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी, ऐसे ही IBM कंपनी ने STP के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है बताई हुई है। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो आप ध्यान रखिए, इसकी क्या खास बात होती है। एक तो मीडियम कॉस्ट, देखिए UTP की लो कॉस्ट थी, यहाँ मीडियम कॉस्ट है। सेकेंड, ईजी टू इंस्टॉल। थर्ड है हायर कैपेसिटी देन UTP, हायर एटीन्यूएशन, मीडियम इम्यूनिटी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, एंड लिमिट इसकी भी 100 मीटर होती है। ठीक, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये शील्डेड होते हैं, ठीक है, एंड फास्टर देन UTP एंड कोएक्सियल केबल। पहले अब तो ये शील्डेड होते हैं, डैमेज होने का उनको खतरा कम रहता है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी बचे रहते हैं, और तीसरा क्या है कि ये फास्टर होते हैं UTP और कोएक्सियल केबल की अपेक्षा। तो ये इसके कुछ मेन फीचर होते हैं एसटीपी के, तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मीडियम पे, वो है कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट क्या है हमारा? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हम लोग काफ़ी इससे परिचित भी हैं, डिश टीवी वगैरह का जो केबल आता है वो देखते हैं, कोएक्सियल ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें पहले मैं आपको ये बना देता हूँ कि इसमें आप 2-3 सिलेंडर आप बनाइए तो आपको क्लियर। जैसे सपोज कीजिए, एक तो ये आउटर वो हो गया इस तरह, ठीक, इसके अंदर एक और सिलेंड्रिकल वो बनाइए आप, मान लीजिए इसके अंदर ये है दूसरा सिलेंडर, ठीक, इसके अंदर फिर आप बनाएंगे तब ये आएगा, तीसरी शील्डिंग आ जाएगी, और फिर जब चौथे उसमें आप बनाएंगे तब आप यहाँ पे बनाइए केबल। यहाँ पे आपने चौथे उसमें आपने बना दिया यहाँ पे, तब यहाँ से जाएगा ऐसे केबल, ऐसे समझ लीजिए। तो ये स्थिति होती है कोएक्सियल केबल का, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरह होता है। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है, इसमें देखिए सबसे पहले आउटर कवर, तो ये आप कह सकते हैं ये होता है प्लास्टिक जैकेट, प्लास्टिक जैकेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
मेटालिक शील्ड। ये नेक्स्ट ये चीज क्या हुई, ये हुई मेटालिक शील्ड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है आपका डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ये आ गया आपका डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ठीक है, और लास्ट में तब आपका ये आएगा मेन, ये है सेंटर कोर। सेंटर कोर तो जो कोएक्सियल केबल होता है उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, जैसे अभी हमने आपको बना के दिखाया है। इसमें क्या होता है, ऐसे क्या द कोएक्सियल केबल, जनरली आपको इसको देखना है तो कहाँ, जो आपका केबल टीवी जहाँ लगा होता है उसमें देखिए केबल इसी तरह का होता है। द कोएक्सियल केबल प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय प्रोवाइडिंग ए मेटल शील्ड। द मेटल शील्ड फॉर्म्स फ्लेक्सिबल सिलेंडर अराउंड द इनर वायर प्रोवाइडिंग ए बैरियर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग। द केबल कैन रन पैरेलल टू अदर केबल्स एंड कैन बी बेंड राउंड द कॉर्नर्स। इसमें क्या होता है, एक सॉलिड कोर कॉपर वायर रन्स डाउन द मिडिल ऑफ द केबल। अराउंड दैट सॉलिड कोर कॉपर वायर इज ए लेयर ऑफ इंसुलेशन एंड कवरिंग दैट इंसुलेशन इज ब्रेडेड वायर एंड मेटल फॉयल विच शील्ड्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ए फाइनल लेयर ऑफ इंसुलेशन कवर्स द ब्रेडेड वायर। ठीक है, ये फाइनल लेयर ऑफ इंसुलेशन होगी जो ब्रेडेड वायर को कवर कर रही है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, थिन नेट एंड थिक नेट। जो कोएक्सियल केबल होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक हो गया आपका थिन नेट और दूसरा हो गया आपका थिक नेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो थिन नेट होता है उसकी उसकी जो मोटाई होती है करीब 1/4 इंच होती है। ठीक है, और थिन नेट जो यूज किया जाता है वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। थिन नेट कनेक्ट डायरेक्टली टू वर्क स्टेशन नेटवर्क एडाप्टर कार्ड यूजिंग ए ब्रिटिश नेवल कनेक्टर। इसमें थिन नेट को कनेक्ट करने के लिए बीएनसी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश नेवल कनेक्टर। नेवल कनेक्टर, ठीक है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ थिन नेट इज 185 मीटर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इसकी जो लेंथ जा सकती है वो 185 मीटर, उसके बाद जो है डेटा डिस्टॉर्ट होने लगता है 185 मीटर। अब आ जाइए थिक नेट की हम लोग बात करते हैं। तो जो थिक नेट का चीज़ें हैं, थिक नेट में क्या होता है कि इसकी जो थिकनेस होती है वो करीब 1/2 इंच होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। एंड कैन सपोर्ट डाटा ट्रांसफर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस देन थिन नेट। थिक नेट हैज़ अ मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ 500। देखिए यहाँ 185 मीटर ही थी, यहाँ पे कितनी हो सकती है, करीब 500 मीटर तक। ठीक है, इतनी दूर तक आप थिक नेट से डेटा ले जा सकते हैं विदाउट डिस्टॉर्शन। और इसमें जो द बैंडविड्थ फॉर कोएक्सियल केबल इज 10 Mbps होती है। कोएक्सियल केबल की जो बैंडविड्थ होती है वो 10 Mbps होती है। तो ये तो हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट द कोएक्सियल केबल। अब कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक और जो एडवांटेज है, तो इसके भी करेक्टरिस्टिक अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक इसकी क्या क्या हो गए, पहला तो है लो कॉस्ट, दूसरा इजी टू इंस्टॉल, तीसरा कैपेसिटी अप टू 10 Mbps, उसके बाद मीडियम इम्यूनिटी फॉर्म EMI एंड मीडियम ऑफ एटेन्यूएशन। तो EMI से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इसकी इम्यूनिटी भी मीडियम होती है और एटेन्यूएशन भी मीडियम होता है। एडवांटेज इसके क्या है, एक तो इनएक्सपेंसिव होता है, सस्ता होता है, दूसरा इजी टू वायर, तीसरा इजी टू एक्सपेंड और चौथा मॉड्यूलेट लेवल ऑफ EMI इम्यूनिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से जो इम्यूनिटी रहती है वो भी मॉडरेट, मतलब एक्सेप्टेबल रहती है, अपना आराम से काम करता है। ठीक, तो दिस वाला ऑल अबाउट द ट्विस्टेड पेयर एंड द कोएक्सियल केबल। अब जो नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और जितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, जहाँ जहाँ अपडेशन हो रहा है सब जगह डेटा का ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर से हो रहा है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डाली जाए उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।